जय श्री राम। भवानी शक्ति दे मलंगड़ाला मुक्ति दे। भवानी शक्ति दे मलंगड़ाला मुक्ति दे। जय श्री राम। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त जो हालात अभी चल रहे हैं ये किसी फितना से कम नहीं है। इस वक्त बजरंग दल वालों ने अपना एक जुलूस निकाला है। रामनवमी के दिन मुख्तलिफ़ जगहों से उन्होंने जुलूस निकाला, मुख्तलिफ़ मकामात और मुख्तलिफ़ स्टेट से। इसी तरह मग़रिबी बंगाल के अंदर भी उन्होंने जुलूस निकाला, पाक सर्कस के अंदर, हावड़ा के अंदर, इसी तरह और भी जगहों के अंदर उन्होंने अपना एक त्यौहार मनाया। बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, क्या ये त्यौहार आपके ईश्वर को खुश कर सकता है? आपका ये अमल क्या आपके परमात्मा को खुश कर सकता है, आपके प्रभु को खुश कर सकता है, आपके गॉड को आपका ये अमल खुश कर सकता है, जिससे सैकड़ों लोगों की जानें खतरे में हो, आपके अमल से सैकड़ों लोग परेशान हों, और आप लोग मस्जिदों के सामने पत्थर फेंक कर मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों के महल्ले में घुसकर उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं, उनके ठेलों को जला रहे हैं, दुकानों को जला रहे हैं, और एक फितना मचाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी रूई ज़मीन के अंदर एक फितना आप लोगों ने मचाया हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपके मजहबी किताबों के अंदर इस तरह का कोई उनवान आया है, इस तरह का कोई हुक्म आया है? और यही इबादत का तरीका होता है क्या गीता के अंदर, और इसी तरह आपकी जितनी भी किताबें हैं, क्या उन सब के अंदर इस तरह पूजा पाठ करने का हुक्म आया है, इस तरह अपने गॉड को खुश करने का कोई चैप्टर आया है? नहीं, हो ही नहीं सकता। वो मज़हब ही नहीं है जो मज़हब दूसरों को तकलीफ़ देना सिखाए, जो मज़हब दूसरों को गाली देना सिखाए, और जो मज़हब दूसरे के मज़हब पर हमला करना सिखाए, वो मज़हब नहीं है, हो नहीं सकता। बल्कि ये एक फितना है और हिंदू मुसलमान करने का एक साजिश है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारा अमल देखें मुसलमानों का। हमारा भी एक त्यौहार आता है, जैसा कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसी तरह कुछ दिनों के बाद ईद का मौका आएगा, वो भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों के लिए। उसके ठीक दो ढाई महीने के बाद बकरीद का मौका आएगा, वो भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इन सब त्यौहारों में आप हमारा अमल देखें और अपने त्यौहारों में अपना अमल देखें कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से पेश आ रहे हैं, और अपने अमल से क्या साबित करना चाहते हैं। सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हैं। कोई भी एक सच्चा इंसान, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंसान अगर अपने सच्चे दिल से इस अमल को देखे कि भाई आपके अमल से लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, लोगों के जाने खतरे में है, तो वो ज़रूर कहने पे मजबूर हो जाएगा कि ये कोई सच्चा धर्म नहीं है। और अगर सच्चा धर्म है तो ये धर्म ऐसा नहीं सिखाता। आप हमारे इस्लाम धर्म में देखिए कितना बाबरकत और पाकीज़ा धर्म है। हदीसों में आता है, अलमुस्लिमु मन सलीम अलमुस्लिमू न मिल लिसानी व यदी। हमारे मज़हब के अंदर तो ये कहा गया कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, यानी उसके हाथ से भी कोई तकलीफ़ ना हो, उसकी ज़बान से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है कि अगर आपके पड़ोसी अगर भूखे सो जाते हैं तो आपसे भी सवाल जवाब किया जाएगा कि आपके पड़ोसी भूखे क्यों सोए, यानी उनका भी ख्याल रखने का हुक्म दिया गया। हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, किसी की गिबत ना करो, किसी के ऊपर जुल्म ना करो, किसी से हसद से पेश ना आओ, किसी के साथ गलम गलोच वाला मामला ना करो, किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसे माफ़ कर दो। हमारा इस्लाम ये सिखाता है। लेकिन पता नहीं आपका कौन सा मज़हब है जो आपको फितना करने पे मजबूर कर रहा है, जो आपको दंगा फसाद पे उतार रहा है, ऐसा मज़हब तो ऐसा मज़हब कभी सच्चा हो नहीं सकता। आप देखिए कि कितने लोग परेशान हुए हैं और किस तरह से एक हंगामा मचाया हुआ है। कभी मस्जिद के इमाम साहब के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। जब वो नारा लगाने से जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी दाढ़ी काट दी गई, जुल्म की इंतहा हो गई। हमने कभी कलमा पढ़ाने पे किसी नॉन मुस्लिम को मजबूर नहीं किया। आपके मज़हब में और हमारे मज़हब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं
गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमत से कि इंसाफ वाला मामला करें, इस चीज़ को यहीं रोक दे, इस फसादात को रोके, आपस में प्यार मोहब्बत से मिलकर चलना है। हमें इंसानियत देखना है, मज़ाहिब नहीं देखना। हम इंसानियत के हिसाब से पेश आएंगे, एक दूसरे से सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा गालम गलोच नहीं करना। बस यही तो है इबादत के मामले में, हम कभी मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन इंसानियत के नाते, इंसान होने की हैसियत से हम हमेशा एक प्लेटफार्म पे जमा रहेंगे, एक प्लेटफार्म पे खड़े रहेंगे। दुनिया में सैकड़ों मसाइल ऐसे पड़े हैं जिसको हल करना बाकी है, वो हम आपस में मिलकर हल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने वाला बनाए।